ब्लॉग बनाने को कंटेंट नहीं मिला तो मैं बोला चलो 10,000 रुपये खर्च कर लेते क्या। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। सही बात है। लॉरी पे किन्नर की करके ड्राइवर बना, फिर वेस्ट में लगा। लॉरी पे क्या करके? किन्नर की करके। अरे वो कोल्ड ड्रिंक का जुगाड़ कर लेते, भिंडी बाजार लिए लो चचा दे। नहीं भाई, दादा इधर से आते हैं। कोल्ड ड्रिंक भी लिए ली बुटुक बाबू ये ले लिए गलत सीन। तो शॉपिंग हो गया अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से। क्या क्या लिए हैं देखे भी थे? पहनेंगे तो देख ही लेगा सब। पहन के ब्लॉग कब बनाएंगे? दिखा ही देते हैं। ऊपर ऊपर ये इसमें कार्गो का क्या है? रुकीज ब्रांड बता सकते हैं। और ये तो टी शर्ट है, दो बता ही दिए, ये रुकीज है। मेरा और खुलना बाकी है। इधर जो है ये भाई बंद करा ठंडा, बता ही ना काका लली बहुत कुछ है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह सब आदमी थक चुके हैं, चचा भी बहुत मुश्किल से चचा को तैयार किए चलने के लिए। हाँ तो शॉपिंग कर कर के और घूम घूम के थक चुके हैं, फिर अब हम लोग अपने अपने घर की ओर जा रहे हैं। मुंबई में जो अल्हम्दुलिल्लाह घर है हम लोग अल्लाह का करम है। सिग्नल लगा हुआ लाल बत्ती ओकरा वाला हाल नहीं करी कि बिल्डिंग देख ली आज 6 महीना तैयार हुए में लगी है, कौन कौन मिस्त्री काम। तो ये अभी यहीं तक लास्ट रहेगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली ब्लॉग में, बने रहिए लास्ट तक। सर ने पूछा कहाँ के रहने वाले हो? सर हम लोग दरभंगा के रहने वाले हैं। दरभंगा बिहार। और आप? हम लोग महाराष्ट्र के। अच्छा सर महाराष्ट्र के ही है, कोई नहीं हम लोग ब्लॉगर हैं सर, वीडियो बनाते हैं। ये तो ऐसे ही नाम के लिए ब्लॉग बनाने को कंटेंट नहीं मिला तो मैं बोला चलो 10,000 रुपये खर्च कर लेते क्या, कोई कंटेंट तो मिल जाए। ऐसे क्या करता, बाहर निकलता टहलता, फिर वो वाला नहीं किया डेली सो के उठा अभी टाइम इतना बजा है इसमें ब्रश कर रहा हूँ, इसमें अच्छे से नहा धो के फ्रेश हो गया, प्रॉपर हो गया, खाना खाया, घूमा थार से सो गया। ये नहीं होगा, यूनिक होगा, अपना अंदाज है। मुंबई में रहने का नाम एक तो गरीब होना मांगता है, खुद गरीब या तो आई एस बाप की बहुत आई एस होनी चाहिए तो मुंबई रह सकता है, या तो फुल गरीब हो या तो बाप का आईएसी होना चाहिए। हम लोगों को देख के क्या लग रहा है? बाप का मिलियन हो कि बाप का आईएस है, बाप अपनी पूरी आईएस है, जेब में रखा कैश है। यस जी माय फ्रेंड्स टू मी करोड़ों कमाते हो, कैसे करते हो? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। सही बात है जी। देखो भाई हम तो लॉरी पे किन्नर है कि इधर है, मेरी अपनी है कमाई, मेरी डैडी ने नहीं जीती। अपनी कमाई है, डैडी भी नहीं करने बोला ना आपको। हम इधर लॉरी पे किन्नर की करके ड्राइवर बना, फिर वेस्ट में लगा। लॉरी पे क्या करके? किन्नर की करके। अच्छा किन्नर रहते मालूम है? हाँ ड्राइवर के बाजू के सीट में बैठे। हाँ तो चार साल किया, उसके बाद पढ़ा लिखा भी हूँ, उसके बाद वेस्ट में एप्लीकेशन करके नौकरी लग गई, फिर शादी होगी। स्ट्रगल लाइफ है सर आपका, मानने वाली बात है। अभी रिटायर होकर 10 साल हो गए, क्योंकि गाड़ी अपना खुद का है, बड़ा अच्छी बात है। चलिए ये तो हम लोगों के लिए इंस्पायरेशन है, इंस्पायर हुआ आपसे ये स्टोरी आपके सुन के, इतना स्ट्रगल करके। एक होता है लोग उम्र के बाद ये हो जाता है कि अब उम्र नहीं रहा अब क्या, लेकिन आपने
चार साल तक किन्नर का काम करके फिर उसके बाद आपने पढ़ाई भी किया, फिर जॉब भी लगी, फिर रिटायरमेंट भी हुआ, फिर आप उसके बाद भी लोग कहते चलो रिटायर हो गया आधी सैलरी तो आएगी। चार तीन लड़कियाँ एक लड़का है, सबकी शादी कर चुका हूँ, पचास अरे ये तो आपकी सर बहुत दुख भरी स्टोरी है। सैल्यूट है सर, सर आपको सैल्यूट सुना के आप मुझे बहुत इमोशनल कर दिए, हम लोग मनी टाइप पे थे लेकिन आज का ये ब्लॉग आपके ही नाम पे रहेगा। अरे 8-15 साल हुआ ना, बताओ चलो कोई नहीं सर, आपके जैसे लोग बहुत कम होते हैं। अभी हमको घर ही जाने का था, इसके लिए आपको बोला, परेड में हमारा उधर घर है। अच्छा गिरनी कामगार का ऑफिस है क्या? हाँ 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 के पी के। अभी हमारे इधर दो 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है दादा आपकी। हाँ एक लड़का है। अरे चलो आपसे मिलकर सर बहुत अच्छा लगा, आज का ये ब्लॉग आपके ही नाम रहेगा। नाम सर भट्ट, महेश भट्ट के रिश्तेदार महाराष्ट्र के नहीं। अच्छा मेरा इधर दो रूम है। सर आपने स्ट्रगल किया है, किसी को नसीब का मिलता है कोई मेहनत करके इस मुकाम पे पहुंचता है, तो आप मेहनत वाला एक दीवा में और एक इधर परेल में, परेल में है वो डेढ़ कोटि का है। बढ़िया सर, सर की दुख भरी कहानी सही है बहुत ना। अभी खुशहाल जिंदगी में जी रहे हैं, अभी हाँ करोड़ों के मालिक है सर। तो चलिए इसी तरह लोग भी आपसे सोचोगे तो कोई बोलेगे ना तो बच्चे के नाम कर दिए। हाँ तो हुआ आपके ही बच्चों के नाम किया ना, तो उसके नाम पर तो आपका ही है। तो ये 40 तोला सोना है, 40 तोला सोना। अरे सर करो रो डिपोजिट 2012 अभी किधर भी नहीं है, लेकिन आपके पास 40 तोला सोना है। सर को फिर 10,000 डिपॉजिट और 2012 की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपकी स्टोरी मैं चाहूँगा कि लोग सुन के बहुत इंस्पायर भी होंगे। आप यूट्यूब पे डाल सकते हैं सर आपका परमिशन लेके, मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा। अगर आप बोलो आपको कोई ऐतराज नहीं है तो यूट्यूब में मेरा नाम मत डाल, नाम नहीं डालूंगा ये अभी जैसे वीडियो बन रहा है तो ये यूट्यूब पे जाए कोई दिक्कत नहीं ना। थैंक यू सर। आ गए हम लोग स्टेशन सामने ही है दादर, ये दादर स्टेशन आ गया, तो अब हम लोग सड़क को अलविदा कहते हैं। थैंक यू सर। अरे मैं एक फोटो लेता हूँ, काट वीडियो का।